अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, आई एम जुबी खान। आज हम क्राइलोन पेन स्टिक के बारे में सीखेंगे, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करते। क्राइलोन पेन स्टिक के बारे में कौन नहीं जानता, यानी कि इतनी ज़्यादा गाइडेंस, इतनी ज़्यादा वीडियोस डिटेल में आपके पास हैं, तो मैं छोटी छोटी सी जो इसकी टिप्स हैं या कलर शेड्स हैं उसके बारे में आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले इसका ओरिजिनल और फेक का फ़र्क मालूम कर लेते हैं। बहुत डिटेल में लोगों ने समझाया हुआ है, बट मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जो ओरिजिनल होती है वो थोड़े छोटे साइज़ में होती है, जो ओरिजिनल नहीं होती, जो फेक होती है वो बड़े साइज़ में होती है। देन इसके ऊपर एक ये कोड दिया हुआ होता है, जब आप नई इसको ख़रीदते हैं या बाय करते हैं, इसके ऊपर ग्रे कलर का ही कलर लगा हुआ होता है, उसको आप स्क्रैच करते हैं तो वो आप उसके नीचे आपको एक कोड मिलता है, वो आप स्क्रैच करके कोड सेंड करते हैं या जो भी है, तो वो उससे आपको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। देन इसके ऊपर ये टैग लाजमी लगा हुआ होता है ओरिजिनल पर। ये है मेरे पास आइवरी शेड, ये मैं पूरी स्टिक मेरे पास नहीं थी तो आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि इस तरीके से क्वार्टर पीस भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। स्टिक 4,000 रुपये की चल रही है करंटली जो इसका रेट है, बट ये क्वार्टर पीस आपको 1,000 रुपये में या 1,100 रुपये में इजीली मिल जाता है। तो आप अगर छोटा है पॉलर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा रनिंग में नहीं है, तो आप ये क्वार्टर पीस लिया करें, पूरी स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। चलेंगे आप पेंसिल कॉपी ले लें या आप ऐसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें। मैं आज आपको कलर शेड्स के हवाले से डिटेल में गाइड करूँगी। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है 38। 38 मीन्स मोस्टली पॉलर्स में या हमारी एशियन कलर टोन के ऊपर सबसे ज़्यादा गुड दिखने वाला जो शेड है वो 38 है, जो इवनली हर स्किन पर इजीली ब्लेंड हो जाता है, इजीली मैच हो जाता है। तो आप इसका स्वेच चेक कर लें। शायद मे बी सॉरी, इसमें लाइट थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है, इस वजह से आपको इसका शेड थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको समझ आ जाए। तो ये हमने इसका स्वेच लगा लिया सबसे पहले 38, और ये इजी टू ब्लेंड होती है, आराम से ब्लेंड हो जाती है। अब मैं आपको एक एक करके सबके स्वेचेस चेक करा दूँगी। ये है 38, तो मैंने उस टाइम लगाया तो लाइट में थोड़ा सही नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको इसका अलग से इसका पैच लगा के दिखा रही हूँ। देखिए मेरी स्किन के साथ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, मेरी स्किन पर 45 भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से रहता है, बट ये भी अच्छा ब्लेंड हो जाता है। ये थोड़ा सा लाइट सा, थोड़ा डार्क टोन के लोग होते हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा रहता है। देन आ जाता है 36। 36 थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो थोड़ा काले लोग होते हैं या जो जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होता है उसके ऊपर ये अच्छा जाता है, उनकी स्किन को अच्छा कैरी करता है। अब आपको फ़र्क वाजा नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा। इसको भी मैंने थोड़ा सा लगाया है और फिंगर से हल्का सा अगर टेप करेंगे तो ये इजी टू ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए, मैं फिंगर से ही इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा तो ये हो जाएगा। आई होप ये दोनों शेड आपको समझ आए होंगे। अब आ जाता है मेरे पास FS45। FS45 का मतलब हो जाता है फेयर टोन की तरफ जा रहे हैं हम। अब हम फेयर टोन लेंगे, मतलब फेयर कलर, थोड़े गोरे लोग या थोड़ा गोरा शेड चाहिए 45। ये हमने इसका भी स्वेच लगा के मैं आपको चेक करा देती हूँ, इसका शेड भी दिखा देती हूँ। देखें सही है, इसके बाद मैंने इसका स्वेच लगाना है और आपको चेक कराना है। अब आपको तीनों का फ़र्क वाजा नज़र आ रहा होगा, ये और ये। मैं इसको भी आपको फिंगर से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ब्लेंड हो जाता है, फिंगर से भी हो जाता है, ब्रश से भी हो जाता है, पफ से भी हो जाता है, जिससे भी आपको इजी लगे आप उससे करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फकीर बने, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करें। अच्छा जी, मैं आपको इसका एक सीक्रेट भी बताऊँगी, जो दो या तीन शेड्स आपस में मिक्स करके हम पॉलर में यूज़ करते हैं उसका भी। अब मैं आपको आइवरी का शेड चेक करा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा वाइट कहलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब हमें चिट्टी वाइट गोरी बेस बनानी है तो हमने आइवरी शेड यूज़ करना होता है। आइवरी शेड फुल फेयर टोन के लिए होता है और इसका कोई नंबर नहीं होता, इसका नाम सिर्फ हम आइवरी बोलते हैं तो वो शॉप वाले आराम से समझ जाते हैं, तो हम ये ले लेते हैं।
आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अलग चीज़ के ऊपर, मतलब के 2W, 1W, 2W ये सीरीज हो जाती हैं पिंक टोन या येलो टोन इस साइड पर। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल काशी बेस का कलर होता है, वो कलर पिंकिश टोन होती है, बिल्कुल पिंक पिंक बेस बनती है इससे, जो कि ब्राइडल की आजकल डिमांड भी होती है कि हमारी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन या लुक दे तो वो पिंकिश टोन पे चली जाए। तो मैंने देखें ये बस का स्विच लगाया तो आपको फेयर और पिंक का फ़र्क वाजा नज़र आ रहा होगा। मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, बट ये मैं आपको सिर्फ इसके स्विचेस अच्छी तरह से चेक करा रही हूँ। अच्छा जी, हमने 45 और 42 ये सीक्रेट हैं, ये आप लिख भी सकते हैं। तो मैं आइवरी और 2W भी मिक्स कर सकते हैं और 45 और 2W भी। देन ये दो शेड आ जाते हैं, इनके नंबर आप आराम से अपने पास नोट डाउन कर लें। ये है, एक है 508 और एक है 303। 508 का शेड आप देख रहे होंगे, आपको महंगे महंगे कलर करेक्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका एक क्वार्टर पीस भी लेकर ख़रीद कर रख दें तो आप बहुत टाइम तक इजीली यूज़ कर सकते हैं, इजी टू ब्लेंड होता है। ये देखें, इसको हमने डार्क पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, मतलब कि डार्क सर्किल हो गए, लिप्स के अराउंड जो ब्लैकनेस हो जाती है, नोज़ के अराउंड हो जाती है, या चिक्स पर कोई दाग है, झाइयाँ हैं, तो हमने पहले अच्छे से ऑरेंज करेक्टर से इसको करेक्ट करना होता है। तो आपने ये शेड लेकर रख लेना है अपने पास, क्वार्टर पीस आपके लिए बहुत रहता है, बहुत चलता है, ये इजी टू ब्लेंड है जैसा कि आप लोग जानते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 303 मतलब बिल्कुल येलो स्टोन, जिसको हमने बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा डार्क टोन के लोग होते हैं ना, उनको आपने किसी भी बेस के साथ, मतलब आप 36 के साथ भी मिला सकते हैं, या आप 38 के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, इवन कि आप 45 के साथ भी इसको मिक्स करके इजीली ब्लेंड कर आप बहुत ज़बरदस्त बेस तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपको कलर शेडिंग मिक्सिंग भी समझा दी है, ब्लेंडिंग भी समझा दी है, स्विचेस भी चेक करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और कुछ ना कुछ तो आपको इससे सीखने को मिलना ही है, लाजमी है, मैंने इतनी मेहनत की है तो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।